वेलकम दोस्तों। तो चलिए आज हम बनाएंगे इंडियन क्लासिकल डांसर का बहुत ही सुंदर सा ड्राइंग। वो भी हम बना रहे हैं एक्स वाई जेड की आकार की मदद से। बहुत ही सिंपल सा ये तरीका है, कुछ भी हमें नहीं करना है ज़्यादा। कागज़ पर इस तरह से एक्स वाई जेड बना लेने हैं। आप देखिएगा कितने आसानी से हमारी क्लासिकल डांसर जो है वो बनती है। इस तरह से उसके हम पैरों से शुरुआत करेंगे। उसका जो ड्रेस है कुछ इस तरह से बनेगा। स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, बहुत ही सुंदर सा आपका भी ये ड्राइंग बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है। चाहे तो पहले आप पेंसिल से भी बना सकते हैं या छोटे पॉइंट वाले मार्कर से। देखिए कुछ इस तरह से उसके लेफ्ट पैर की पोजीशन आएगी और राइट पैर कुछ इस तरह से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। जो नृत्य में जो मुद्राएँ होती हैं उसी में से एक ये मुद्रा है। बहुत ही सुंदर ऐसे उनके वस्त्र होते हैं, सुंदर सा उनका पोशाक। देखिए इस तरह से कुछ डिज़ाइंस भी हम उनके ड्रेस पर, साड़ी पर बना सकते हैं, कुछ सिलवटें। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब आपके ड्राइंग टीचर सूरज है तो आपके लिए आसान आसान सही तरीके से ड्राइंग्स बनाना सिखाएंगे। देखिए एक्स वाई जेड में से हमारी इंडियन क्लासिकल जो डांसर है वो बनती है। इस तरह से उसका जो राइट वाला पैर है वो बनेगा और जो लेफ्ट वाला पैर है कुछ इस तरह से सामने की तरफ हम बनाएंगे। बाद में सुंदर तरीके से हम इस ड्राइंग को कलर भी करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई भी जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। यहाँ से इस तरह से उनका जो ऊपर का भाग है शरीर का वो बना लेंगे। देखिए सुंदर सा उनका ये पोशाक, कुछ सिलवटे वगैरह। यहाँ से उनकी हम कमर जोड़ देंगे। देखिए लगभग आधा ड्राइंग तो हमारा कंप्लीट हो ही गया है आसान स्टेप्स की मदद से। इस तरह से उनके गले में एक हार भी हम दिखा सकते हैं। यहाँ से उनका हम लेफ्ट वाला हाथ बनाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये एक नृत्य की जो मुद्रा है उस मुद्रा की पोजीशन में ये ड्राइंग है। देखिए उनके हाथों में कंगन कड़ा वगैरह हम दिखा सकते हैं। हाथों की उंगलियों की पोजीशन कुछ इस तरह से बनेगी। बहुत ही सुंदर तरीका है, बस आराम से आपको निकालना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इस तरह से उनका हम राइट वाला हाथ बनाएंगे। ये भी हाथ मुद्रा की पोजीशन में। देखिए टीवी में आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी जो इंडियन क्लासिकल नृत्य हैं वो बहुत ही पसंद किए जाते हैं। देखिए कितनी सुंदर उनके हाथों की ये मुद्रा है। पारंपरिक ये नृत्य प्रकार है। अब यहाँ से एक्स में से ही हम उनका चेहरा बनाएंगे। कुछ इस तरह से उनकी गर्दन बनेगी। यहाँ पर उनके कान, कानों में जो झुमके वगैरह होते हैं वो बना लेंगे। बस आपसे बार बार यही मैं कहता हूँ, आराम से आपको ये ड्राइंग बनाना होगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिल्कुल सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। थोड़े से बाल यहाँ से बनाएंगे। ये कुछ गहने भी उनके बालों के ऊपर इस तरह से होते हैं, इस तरह से बना लेंगे। यहाँ से उनके हम बाल बनाएंगे। सामने की तरफ ये नृत्यांगना देख रही है, इस तरह से उनके चेहरे की पोजीशन आएगी। उनका जूड़ा होता है बालों का, उस पर भी फूलों की माला वगैरह होती है कुछ इस तरह से, वो भी हम दिखा सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये ड्राइंग बनता है। चाहे जितना बड़ा छोटा आप इस ड्राइंग को बना सकते हैं, बस आपको एक्स वाई जेड उतने ही बड़े या छोटे बनाने होंगे। अब सुंदर से उनकी जो चुटिया होती है लंबी सी वो हम बना लेंगे, पर तब तक पहले एक्स का जो आकार है उसे भी तो हमें छिपाना है। तो उनके गले में कुछ गहने हम दिखा देंगे। जो कमल का पुष्प है वही हमने बना दिया है। अब यहाँ से सुंदर सी लंबी सी उनकी जो चुटिया होती है, चोटी होती है, वो बना लेंगे सुंदर सी। देखिए कितना आसान तरीका है ये भी। मेरा तो कहना है पहले आप पेंसिल से ही बना लीजिएगा ताकि सुंदर आपका ये ड्राइंग बने। उस पर भी कुछ लाइंस वगैरह हम इस तरह से बना लेंगे और सुंदर तरीके से हम इसे कलर भी करने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आराम से आपको ये ड्राइंग बनाना होगा। अब उनके चेहरे के जो फीचर्स हैं वो एक बार हम पूरे कर लेंगे। सुंदर से हाव भाव उनके चेहरे पर हम बनाएंगे। ये उनकी सुंदर सी स्माइल,
कितना सुंदर ये ड्राइंग बनता है देखिए, बस एक्स वाई जेड की ही मदद से कुछ जो करेक्शंस है वो कर लेंगे। जो डिज़ाइंस है वो भी आप अपने मन से इस पर बना सकते हैं, पर मेरा तो कहना है ज़्यादा डिज़ाइंस मत बनाइए, उससे ड्राइंग हमारा सुंदर नहीं दिखता है। ये कुछ सिलवटें और ऐड करेंगे। अब सुंदर तरीके से इस ड्राइंग को हम कलर करेंगे। आप भी शांति से आराम से बनाएं। इंडियन क्लासिकल डांसर का ये ड्राइंग बहुत ही सुंदर तरीके से ये बनता है, बस एक्स वाई जेड की मदद से। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे ड्राइंग टीचर सूरज चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि डेली हमारी मुलाकात हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी ही फिर से मिलते हैं।